घटना खटी थी सबको मालूम है किसी को बताना नहीं है और लगातार मेरे वीडियो में आप देख रहे हैं लगातार मैं जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग देवरिया को लेकर कर रहा हूं तो मेरे साथ हैं फतेह बहादुर यादव जी और ये भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रणाम करता हूँ प्रेम का हत्यारा अभी सरकार पकड़ नहीं पाई है प्रशासन नहीं पकड़ क्या क्या मकसद है प्रेम के हत्यारे को सरकार देख रहे हैं की तमाम मंत्री और विधायक इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक अपराधी को उसके उसको सजा न दे करके उसको धन उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उसका और मन बढ़े उसको तो तमाम विधायक और मंत्री पैसा दे करके मान लीजिए कि उसका मन बढ़ा रहे हैं खुलायाम उस अपराधी को घुमा रही है सरकार तो ये सबसे बड़ा दोष सरकार का है सबसे बड़ा दोष माननीय लीजिए जी का है जोगी जी को इस पर विचार करना चाहिए और बुलडोजर किसी भी संविधान और किसी भी कानून में नहीं लिखा गया है कि कोई अपराधी हो तो उसके घर ले जाकर बुलडोजर चलाइए ये तो मनमानी कर रहे हैं ये मनमानी कर रहा है किसी पे वीडियो जर चलाना किसी को कुछ करना खुलेआम जात पक्षी अगर कोई कर रही है ब्राह्मणवाद और यादववाद अगर कोई आज हो रहा है तो वो सबसे बड़ा दोष सरकार का है ये सरकार करा रही है एक चीज और पूछना चाहेंगे कि भाजपा आ, में उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री और कुछ सांसद आके वहीं देवे से मिलते हैं उनके परिवार से मिलते हैं मेडिकल कॉलेज में मिलते हैं लेकिन प्रेम यादव के घर कोई नहीं आता है और कोई ओबीसी या पिछड़ी का नेता हो चाहे उस तरीके का सांसद हो यहाँ तक कि दिनेश लाल यादव से सवाल करने पे वो जो है दवरिया मामले में बात नहीं करते हैं और वो भी वहाँ नहीं गए तो इसका क्या मतलब है जूता साफ करने वाले मैंने आपको बताया जूता साफ ये दिनेश लाल यादव हों चाहे वो प्रकाश राजभर हों चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों चाहे छठू राम हों चाहे जितने बीजेपी में चाहे संजय यादव हों ये जितने बीजेपी में नेता हैं ये सिर्फ जूता और कुर्सी साफ़ करने के अलावा इनकी हैसियत नहीं है इनकी औकात नहीं है कि पिछड़ी और सर ये ये बोलेंगे कब ये पिछड़ी अनुसूचित के पास जाएंगे कब जब चुनाव आएगा इन लोगों को सर मानी चाहिए कि ये सिर्फ सबरण और बीजेपी की वोट से ये लोग विधायक और चाहे सांसद नहीं हैं उसमें पिछड़ी अनुसूचित के लोग भी वोट दिए हैं इन लोगों को जाना चाहिए पार्टी को लात मारना चाहिए आज पिछड़ी और अनुसूचित का एक जगह मान लीजिए स्वाइमान खड़ा था तो इन लोगों को भी सारी पार्टी को छोड़ के वहाँ जाना चाहिए था लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया इसलिए नहीं किया कि इन लोगों पर तलवार लटकी हुई है इन लोगों की जो जिस कुर्सिया को साफ़ कर रहे हैं वो साफ़ करने की जगह ख़त्म हो जाएगी जिस जूता को साफ़ कर रहे हैं वो जूता सा वो जगह जूता जूता गायब हो जाएगा वो जूता साफ़ नहीं कर पाएंगे इनकी हैसियत नहीं है चाहे वो दिनेश लाल हों चाहे वो हो प्रकाश राजभर हों चाहे वो हो केशव प्रसाद मौर्य हों चाहे हो संजय यादव इन लोगों की हैसियत नहीं है कि देवरिया मैटर पर एक शब्द बोल दें अगर बोल देंगे उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा इन लोगों की हैसियत नहीं कि वहाँ जा सकते हैं इसलिए कि जब ये गए तो इनकी बस तुरंत कहानी शुरू हो जाएगी इनको निकाल दिया जाएगा निकाल दिया जाएगा हाँ। कहीं के नहीं रहेंगे हाँ। तो ये तो चोर हैं हाँ। ये जितने पिछड़ी अनुसूचित के बीजेपी में नेता हैं ये सिर्फ अपनी जात के पास इसलिए जाते हैं वोट लेने के लिए जाते हैं और मैं चूँकि जनता को तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन जनता से निवेदन जरूर करूँगा कि बीजेपी में जितने अनुसूचित पिछड़ी के नेता हैं या जितने मंत्री हैं अगर चुनाव आता है दोबारा जाते हैं तो मैं पब्लिक से निवेदन करूंगा कि जूता निकालो और मारो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की देवरिया मामले को जो लेके और संवर्ण किया जो ओबीसी या चाहे पिछड़ों की जो बात हो रही है इस तरीके से जातिगत जा, मुद्दा गरमाता जा रहा है तो 2024 जो का चुनाव जो आ रहा है उसमें इसका क्या फर्क पड़ेगा क्या असर पड़ेगा इसका यही फर्क पड़ेगा कि पिछड़ी अनुसूचित एक होगा हाँ, हाँ दो हज़ार में और दो में पिछड़ी अनुसूचित एक होगा हाँ, इसलिए कि देखिए पहले था हमारे समाजों में जैसे पिछड़ी और अनुसूचित में पहले उतना कम कम पढ़े लिखे लोग थे लेकिन आज 80 परसेंट लोग पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोगों में मेरे भाइयों से निवेदन है चाहे वो पिछड़ी अनुसूचित के हों उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप पढ़ लिख करके गोबर की पूजा ना करो आप पढ़ लिख करके उसकी पूजा ना करो जो मछली की पेट से पैदा हुआ है आप पढ़ लिख करके उसकी पूजा मत करो कि राजा दशरथ की तीन रानियाँ और फल खा लें तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुधन पैदा हो गए तो उसकी पूजा ना करो आप पढ़ लिख करके संविधान करो आप हाई स्कूल पास करोगे तो पुलिस बनोगे आप आई एस करोगे तो डी एम बनोगे आप पी निकालोगे तो एस बनोगे तो ये सारी चीज़ों पे ये पढ़े लिखे लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए और मेरा पिछड़ी और अनुसूचित समाज जग चुका है बीजेपी कुछ भी कर लेगी तो मेरी जनता आंदोलन करने के लिए तैयार है और आंदोलन आपको दिख रहा होगा देवरिया में कैसे आंदोलन होता है अभी अभी उसका वो आंदोलन बंद होने वाला नहीं है यादव इतना जल्दी किसी को नहीं बकसता है और पाणेजी फरसा उठावें अच्छा ब्राह्मण साहब भला उठावें उससे कोई यादों पे फर्क नहीं पड़ने वाला है वाना पड़ेगा वो फरसा उनका उन्हीं के पास रह जाएगा फरसा उठा के जब आएंगे तब समझ में आएगा बोलने और करने और कहने में बहुत अंतर होता है ये उनका जो है घर तो नहीं गिरा है लेकिन तीन महीने का कोर्ट में जो है उसका आदेश है तीन महीने में इनका अपना पक्ष रखना है तो ये भी तो हो सकता है कि तीन महीने का तीन महीने के बाद उनके घर गिराने का आदेश आ जाए कोर्ट से आ जाएगा तो आंदोलन हो जाएगा घर नहीं गिरेगा मैं आपसे वादा कर रहा हूँ जिस दिन घर गिरने को होगा उस दिन आंदोलन हो जाएगा वहाँ लाखों की संख्या में लोग रहेंगे कैसे घर गिर जाएगा घर गिरेगा कैसे किस कानून में और किस संविधान की व्यवस्था में लिखी गई है कि किसी अपराधी का या किसी काया बंजर में घर हो तो गिरा दीजिए नहीं उस सरकार के पास विकल्प होता है अगर हम खरिहान में या बंजर में या किसी सरकारी ज़मीन में अगर घर बना लिए हैं तो हमारे ज़मीन से उतना मुआवजा ले करके जो लगा उसमें दूसरे ज़मीन में सरकार ज़मीन लेकर के कुछ कर सकती है ले सकती है उसका रूल है कभी नहीं गिरा सकती है ये तो सरकार तनाशा कर रही है सरकार तनाशा करके ज़बरदस्ती किसी की घर को गिरवा रही है जैसे जितने बुलडोजर चलवाए हैं सब सारी चीज़ें मुक, मुकदमा के तहत कोर्ट में है आज नहीं तो कल जोगी जी को उसका जवाब देना पड़ेगा इसलिए कि जो भी ये काम किए हैं जो भी ए, ए, कदम उठाए हैं ये कानून से हट के उठाए हैं संविधान से हट के उठाए हैं अभी कितने बड़े आडम्बरी हैं देखिए अभी गाँव गाँव में गाँव गाँव से मिट्टी ले जा रहे हैं ये मिट्टी ले जाके किसको पुजवाना चाह रहे हैं ये मिट्टी का कौन सा अरे हम डेली उस मिट्टी में रह रहे हैं डेली उस मिट्टी में ए, अपना अन्न उगा रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं फिर उसको हमको ब्लॉक पर ले जाने की पुजवाने की क्या जरूरत है तो ये लोग टोटल आडम्बर हैं टोटल मनुवादी व्यवस्था लगाना चाहते हैं आप देख ही रहे हैं नया संविधान भी बना नया संवि नया सदन भी बना क्योंकि अभी ये लोग उसको लागू करने के चक्कर में है ये किसी तरह से जाहिर लोगों को जो हमारे समाज में जाहिर लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है कि हम पूजा किसकी कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमको इसके करने से लाभ क्या है जिनको ये पता ही नहीं है कि हमको पढ़ने से लाभ है कि पूजा करने से लाभ है तो उस तरह के जाहिर लोग उनके पास है जिससे आज वो फरसा उठा रहे हैं अगर आज वो जाहिर लोग उनके पास से हट जाए तो कल उनकी औकात नहीं है कि घर में से बाहर निकल जाए बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में जो ब्राह्मणों का बहिष्कार हुआ है और उनको कोई बुलाएगा नहीं ये महापंचायत में ऐलान हो तो लास्ट में उसके लिए एक बात क्या कहेंगे आप हम लास्ट में यही कहेंगे कि बहुत उसका मैं महापंचायत का स्वागत करता हूं और मैं सारे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं पिछड़ी अनुसूचित के लोगों को कि आप पूजा करना छोड़ दो पूजा करना है तो अपने घर में करो शिव चर्चा करना छोड़ दो शिव की पूजा करना है तो अपने घर में करो पढ़ाई करो संविधान को समझो संविधान के रूट रूटेशन को समझो और अपने बच्चों को पढ़ा के आगे ले जाओ इन सबों के आडम्बर को छोड़ो और अपना काम करो तब जा करके के भारत का शुद्ध रूप से विकास होगा और भारत में शुद्ध रूप से संविधान का मतलब समझ में आएगा बिल्कुल बिल्कुल ये थे फतेह बहादुर यादव जी और भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो क्या कुछ इनका कहना था और देवरिया पे भी बात हुई और ब्राह्मण समाज और महापंचायत में भी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार